गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास, यू ओपन योर एसएसटी बुक, लेसन नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड पेज नंबर 5. यस स्टूडेंट्स, यू सी ऑन ब्लैक बोर्ड पेज नंबर 5 पे फर्स्ट से द नेक्स्ट डे से हम स्टार्टिंग करेंगे. प्लीज यू लिसन मी अटेंटिव आई ऑफ यू. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर. अगले दिन वह दोबारा से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और मुझे होल्डिंग मींस पकड़ाना और मुझे हिंदी न्यूज़पेपर पकड़ा देता है. भैया ही सेड, अब वह जोर से ऊंची आवाज लगाते हुए कहता है, भैया आपका अखबार. क्या कहता है? भैया आपका अखबार. एबे, बढ़िया है. सब्जेक्ट क्या? चूज है. अब कहता है कि अबे इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन सी चूज किया है आपने? द इंग्लिश वर्ड. अब कहता है कि अंग्रेजी शब्द साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. कहता है कि इंग्लिश वर्ड जो है वह जब मैं बोलता हूँ तो मेरी टंग जो है, मेरी जीभ है, वह बड़ी स्ट्रेंज लगती है मुझे. ही साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश. इसके साथ ही उसने कहा कि दूसरा मीन्स दूसरे सरा अर्थ है इसका इंग्लिश में. टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. इस प्रकार से आपको मैंने बुलाया है. ओ इट इज जस्ट समथिंग टू स्टडी. ओ तो ठीक है, आपने अभी से अध्ययन करना शुरू कर दिया है. आई सेड, मैंने ऐसा कहा उसे. एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और दोबारा से वह उसी रेड लाइट के ऊपर आ जाता है. आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, हैव यू ever been to school? क्या आप स्कूल कभी गए हैं? Never, कभी नहीं. He answered, उसने उत्तर देते हुए कहा, never, मैं कभी नहीं गया. And he added proudly, और इसके साथ उसने बड़े गर्व के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, I began working when I was so high. कहता है, I began working, मैंने काम प्रारंभ कर दिया था, when I was so high, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ. He measured himself against my cycle seat. अब वह मेरी साइकिल सीट के अगेंस्ट आ जाता है. First my mother used to come with me. सबसे पहले मेरी माँ, जिसने कि मेरा यहाँ आने पर प्रयोग किया. But I can do it all alone. लेकिन I can do it, मैं उस सभी कार्य को बिल्कुल अकेला कर सकता हूँ. Where is your mother now? I asked. मैंने उसे पूछा कि अब आपकी मदर कहाँ है? But then the lights changed and I was off. और उसी समय सिग्नल के ऊपर लाइट जो है, यानी कि बत्ती है, वह चेंज हो जाती है और मैं वहां से रवाना हो गया. I heard him yell from somewhere behind me. मैंने सुना कि वह पीछे से मुझे आवाज लगा रहा था. सी इज इन मिरुत विद, वह कहता है कि वह मिरुत में है इस समय. द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, और शेष हम सभी इधर हैं. माय नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. अगली बार उसने कहा कि मेरा नाम समीर है. एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, शाइली मीन्स शर्मिंदा, बड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने पूछा, व्हाट इज योर्स? इट वॉज इनक्रेडिबल. कहता है, व्हाट इज योर्स, तुम्हारा नाम क्या है समीर? इट वॉज इनक्रेडिबल, विश्वास करने योग्य बात तो ये थी. माय बाइसिकल वोट वोबल, मेरी साइकिल जो है वह लड़खड़ा रही है. कैसे लड़खड़ा रही है? इट मीन्स वह बहुत पुरानी टूटी हुई है. माय नेम इज समीर टू, आई सेड, मैंने कहा कि भट क्या? माय नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है. हिज आईज लिट अप, और उसने जैसे ही ये बात सुनी कि उसकी आंखें एकदम से चमक उठी. क्या? कि जो अखबार सेल करने वाला बॉय स्टैंड के ऊपर खड़ा होके, बत्ती पे खड़ा होके अखबार बेचता है, उसका नाम भी समीर था. और यहाँ जिस पर्सन से बात की जा रही है उसका नाम भी समीर है, और दोनों का नेम समीर है, इसलिए वो पर्सन हो जाता है कि मेरा नेम भी सेम है. यस आई ग्रिंड एट हिम, हाँ मैंने आप मुझे आपके ऊपर गर्व है. इट इज अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर.
इट इज अनदर नेम, क्या ये कोई दूसरा नाम भी है फॉर हनुमान्स फादर। यू नो, आप जानते हैं कि ये हनुमान के पिता का नाम है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, कहता है कि इसलिए एक समीर आप हो और मैं दूसरा समीर हूं। ही सेड ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मीन्स विजय हासिल करना, बड़ी खुशी के साथ वो ये बात कहता है कि हम दोनों ही समीर हैं। समथिंग लाइक दैट, कुछ इसी प्रकार से। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने उसे उत्तर दिया और इसके साथ ही तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ मिलाओ समीर दो, दोनों समीर हाथ मिलाओ। His hand nestled in mine like a little bird. जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक लिटिल बर्ड हो, एक छोटा पक्षी हो, यानी कितने कोमल। I could still feel its warmth as I cycled away. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी साइकिल जो दूर खड़ी हुई है वह इस समय बहुत अधिक गर्म भी हो गई। The next day he did not have his usual smile for me. अगले दिन he did not have his usual smile for me. उसकी मुस्कुराहट जो थी वह मेरे लिए इतनी सामान्य नहीं थी। There is trouble in Mirut, he said. उसने कहा कि वह मिरुत के अंदर बहुत बड़ी समस्या में है। Many people are being killed there in the riots. कहता है रोच के अंदर वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। I looked at the headlines. मैंने हेडलाइन में पढ़ा है, देखा है। इसलिए समीर जो है वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी मदर कहाँ रहती है, मिरुक में रहती है। कमनल रॉक्स इट ब्लेस्ट, कहता है कि वहां पे इस प्रकार की ब्लेस्ट भी है, आग की ज्वालाएं लपटे निकली है। बट समीर आई बिगिन, लेकिन समीर ऐसा क्या होगा। आई बिगिन, मैंने दोबारा से उनसे पूछा। आई एम ए मुस्लिम समीर, उसने कहा कि मैं मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हूँ, नाम मेरा समीर है बट मैं क्या हूँ, रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी। ही सेड इन आंसर, उसने अपना उत्तर देते हुए कहा, एंड ऑल माई पीपल आर इन मिरुत, और मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी मिरुत में रहते हैं। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और फिर वह मेरे कंधों को टच करता है, स्पर्श करता है। ही वुड नॉट लुक अप, कि आप इस प्रकार से दुखी मत होइएगा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, इसके पश्चात वह क्रॉसिंग पर मुझे नहीं मिला था। नाइदर द डे आफ्टर नोर इवर अगेन, कहता है एक के पश्चात एक दिन बीतते गए कि नोर इवर अगेन वह दोबारा मुझे कभी नहीं मिला। एंड नो न्यूज पेपर, सो ना ही न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में नहीं न्यूज पेपर मिला। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे दो समीर जो थे वो कहाँ चले गए हैं। द लाइट चेंज्ड बाई पोली सेनगुप्ता, अब कहता है कि लाइट जो है यानी कि बत्ती वहां पे परिवर्तित हो जाती है, बत्ती का समय। नेक्स्ट देखिए, नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, कहता है नेम थ्री वेज, तीन वो तरीके बताइए जो कि समीर एक और समीर दो के अंदर अलग अलग थे। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या आप ये अंतर बता सकते हैं कि उन दोनों की मित्रता जो हुई थी वह एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट थी। व्हाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, अब कहता है कि समीर एक जो था वह अंग्रेजी अधिक जानता था, समीर दो स्पीक्स हिंदी, और समीर दो जो थे वह दूसरा समीर था वह हिंदी अधिक जानता था। ये डिफरेंसेस चल रहे हैं उनके। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, यद्यपि वे दोनों ही घर पे भी एक दूसरे से अलग लैंग्वेज प्रयोग करते थे, अलग भाषाएं बोलते थे। They still communicate with each other. Community means संप्रदाय, वे एक दूसरे के संप्रदाय से भी जुड़े हुए थे। They made the effort to do, उन्होंने ऐसा करने का प्रयास भी किया। So because this was what was important to them. लेकिन कारण ये है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। Second, समीर एक and समीर दो also come from different religious and cultural background. अब कहता है कि समीर एक और समीर दूसरा
दोनों ही ऑल्सो डिफरेंट रिलीजियस, दोनों के ही धर्म अलग थे एंड कल्चरल बैकग्राउंड और उनकी सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड थी, कल्चरल बैकग्राउंड थी, वह भी एक दूसरे से अलग थी। वही समीर एक इज ए हिंदू, जबकि समीर फर्स्ट जो था वह हिंदू था, समीर दो इज ए मुस्लिम और दूसरा समीर मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एज एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, दोनों की रिलीजियस, दोनों के धर्म और संस्कृति अलग होने के बावजूद भी उनमें एकता कैसे, यही चीज हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज 6, मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, दो लड़कों के द्वारा, दोनों ही समीर के द्वारा जो त्योहार मनाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, समीर एक एंड समीर दो। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन, क्या आप उस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन, कि उन दोनों में किस प्रकार से दोस्ती हुई, ऐसी क्या चीज थी कि दोस्त बन गए, हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बहुत अलग हैं, राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस, इसके बारे में कहानी लिखी। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कहता है कि उनके का जो धर्म और उनकी संस्कृति थी वो बिल्कुल अलग थी। देर आर अदर वेज इन विच सिमिलर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी उनमें समानता कैसे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, वाहिल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक जो है वह स्कूल जाता है, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर्स, जबकि दूसरा समीर है वह न्यूज़पेपर बेचता है। दोनों समीर कहाँ मिले हैं, लाइट स्क्वायर के ऊपर, चौराहे के ऊपर बत्ती पे मिले हैं। डिस्कस, अब इन पे विचार कीजिए, व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, आपने ऐसा क्यों सोचा कि समीर सेकंड ने, दूसरे समीर ने स्कूल अटेंड क्यों नहीं किया। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल, कि उसके लिए स्कूल अटेंड करना इतना आसान कैसे हो। If he wanted to, यदि वह चाहता तो भी क्या अटेंड कर सकता था। In your opinion, आपके विचार से, is it a fair situation, यह एक मेले जैसी, यह एक व्यापार जैसी स्थिति है, that some children get go to school and others do not, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि विद्यालय में जाते हैं, and कुछ बच्चे and others do not, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते, उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट वाज द रीजन। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर सेकंड को कभी भी विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, perhaps means शायद, यू हैव noticed, शायद आपने इसको नोटिस किया होगा, दैट की देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं उस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर पुअर, जो कि गरीब हैं, एंड हु डू नॉट हैव एनफ टू ईट और वियर, और जिनके पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है, एंड समटाइम्स नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, और कभी कभी वे एक स्थान पे रह भी नहीं पाते हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम, क्या ये अंतर सेम नहीं है, एज द वन जैसे कि पहले वी हैव सीन अर्लियर, जो हम पहले देख सकते हैं। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी, अब कहता है कि यहाँ हम अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, बजाय कि हम यहाँ पे असमानता की बात करते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, कहता है असमानता उस समय हमारे समय सामने उभर कर आती है, वह ए पर्सन, जब एक व्यक्ति डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, जब एक व्यक्ति को न ही तो किसी प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं और न ही कोई अवसर प्रदान किए जाते हैं, दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो कि दूसरे लोगों के पास उपलब्ध होते हैं, तो इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं, और यही कारण है उनकी असमानता का। So students, I have stopped my lesson and you have noted your home assignment.
थीम है जो आपको करना है, इसमें मैं आपको या तो टिक करवा देती हूँ, वैसे बिल्कुल इजी है। व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ समीर एक एंड समीर दो। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको होम असाइनमेंट में डाला है बुक लेसन रीडिंग, आप लेसन रीडिंग लगाएंगे। सेकंड एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन समीर एक एंड समीर दो। समीर एक और दो के अंदर क्या अंतर है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन्हें आप अपने शब्दों में लिखिए। इसके जो डिफरेंसेस हैं वो ये दिए हुए हैं कि समीर एक क्या है और समीर दो है, यहाँ तक इनके डिफरेंसेस हैं। वही समीर एक पेज नंबर 5 पे और एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी तक है। सो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी कि डू सेल्फ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट एंड लर्न इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।